आज इस क्वेश्चन से हम लोग लर्न करेंगे कि कुछ कैसे सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू स्टोर लेजर को बनाया जाता है। पहले हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड सीखेंगे, फिर जाकर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड सीखेंगे, सो देट समझने में इजी होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है और डिटेल्स दे दिया गया है। इट्स बेटर कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सो देट कि तुम लोग क्वेश्चन देखकर इजीली समझ पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इजीली होगा नहीं तुम्हारे साथ। तो स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट में सम्स का भी स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू। इस सम्स के अंदर में हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन 1 से। जैन 1 को दिया हुआ है परचेज की हम लोग 600 यूनिट, तो क्वांटिटी में हम लोग लिखेंगे 600 यूनिट और रेट है इसका ₹4, तो 600 × 4 तो 2400 हो जाएगा। क्लियर? वही मेरा बैलेंस में भी आ जाएगा 600 ₹4 करके 2400। क्लियर? ये ओपनिंग डेट पे बैलेंस दिया हुआ था। फिर हम लोग को देखोगे सब में जैन 4 को एक बैलेंस दिया हुआ है। क्लियर? जैन 4 को भी हम लोग परचेस कर रहे हैं 300 यूनिट ₹4.20 करके। क्लियर? तो हो जाएगा 1260, तो फिगर आ जाएगा 600। देखो वेटेड में क्या होता है, क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड हो जाता है, तो 600 एंड 300 विल बी 900 एंड 2400 प्लस 1260 इज इक्वल टू 3660। अगर हम लोग देखो 3660 को डिवाइड देंगे 900 से, मतलब इसको डिवाइड देंगे इससे, तो फिगर आएगा 4.0666 पूरा भरा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4.067, 3 डिजिट तक लोगे और लास्ट वाले को कन्वर्ट कर दोगे, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोग को इशू दिया हुआ है 500, कितना तारीख को, जैन 6 को हम लोग को इशू दिया हुआ है 500, तो क्वांटिटी में तुम 500 लिखोगे, रेट यही वाला लोगे, है ना, जो हम लोगों ने नया रेट निकाला है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 500 × 4.067 से, यहाँ पे फिगर आएगा 2033 34 लिख दोगे, 0.5 दिया हुआ है उसको 34 लिख दोगे। कन्वर्ट कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, कन्वर्ट कर देना ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर? अब जो है 900 से 500 लेस किए 400 और 3660 से ये लेस कर दिए, तो फिगर आ जाएगा 1627 और यहां पर रेट वही लिखोगे। क्लियर? अब जो है अपने फिर से परचेस कर रहे हैं, कितना तारीख को, डेट दिया हुआ है जैन 10, जैन 10 को हम लोग परचेस कर रहे हैं 700 यूनिट, तो 700 हम लोग रिसीव कर रहे हैं 4.40 करके, तो अगर हम 700 रिसीव करें 4.40 करके तो फिगर विल बी 3080, तो 400 था 700 और आया, तो ये हो जाएगा 1100 और ये फिगर था, ये फिगर दोनों को अगर हम ऐड करें तो फिगर आएगा 4707 और जब भी नया रिसीव होगा तो मेरा रेट चेंज होगा, तो इस फिगर को इस फिगर से डिवाइड देंगे हम लोग, तो 4707 को डिवाइड देंगे तो फिगर आएगा 4.279। क्लियर? अब जो है जैन 10 के बाद 15th को इशू है, तो जैन 15th इशू कर रहे हैं हम लोग 800 यूनिट, तो यहाँ पे 800 यूनिट, रेट यही वाला रहेगा 4.279 और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिगर आएगा 800 × 4.279, द फिगर विल बी 3423। तो फिर अब देखो इशू आया तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 300 यूनिट और इस फिगर से इस फिगर को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो फिगर आ जाएगा 1284 और रेट तो यही रहेगा, जब इशू होगा तो रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन रिसीव होगा तो रेट चेंज हो जाएगा। अब देखो फिर से हम लोगों ने परचेस किया है, मतलब रिसीव किया है जैन 20 को 30th 300 पीस 5 रुपीज करके, तो 1500 हो गया, अब 300 था 300 और आया, तो 600 पीस, इतना था इतना और आया, तो 2784 और रेट जब भी रिसीव होगा तो रेट चेंज होगा, तो हम लोग 2784 को डिवाइड देंगे तो 4.64 आ जाएगा न्यू रेट। क्लियर? अब जो है इशू करना है हम लोग को 100 पीस, तो हम लोग देंगे जैन 23, 100 पीस इशू करना है, तो 100 पीस इशू करेंगे, रेट यही रहेगा 4.64, तो
तो 464 हो जाएगा, इसमें से 100 गया 500, 4.64, और इसमें से ये माइनस कर देंगे हम लोग 2785 माइनस 464, द फिगर विल बी 2320, और इसके सामने लिख दो ना तुम लोग क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो इस तरह से हम लोग वेटेड मेथड एवरेज को फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू। सेम क्वेश्चन को हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से करेंगे। हम लोग को जैन 1 को फिगर दे दिया है कि हम लोगों ने परचेस किया है, परचेस में सेम रिसीव की तरह ट्रीट करोगे 600 यूनिट, क्लियर, 4 करके तो 2400 हो जाएगा, तो यही चीज बैलेंस में भी चला जाएगा 600 यूनिट 4 करके तो ये 2400 अमाउंट में चला जाएगा। ओके, देन आपने क्या करना है, फिर जैन 4 को हम लोगों ने रिसीव किया है, सिंपल एवरेज का अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे 300 यूनिट, रेट है 4.20, तो ये फिगर आएगा 1260। अब ध्यान रखो सिंपल में क्या करना है, ठीक वेटेड की तरह ही क्वांटिटी और क्वांटिटी को ऐड कर देना है, तो 600 और 300 ऐड करेंगे तो 900, और अमाउंट को ऐड कर देना है 2400 एंड 1260 इक्वल टू 3660, गॉट इट। अब जो है यहां पर रेट नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, वेटेड में रेट लिखते थे लेकिन सिंपल में हम लोग रेट यहां पे नहीं लिखेंगे। फिर जो है जैन सिक्स को देखो, अपने इशू कर रहे हैं 500 क्वांटिटी। अब देखो सिंपल एवरेज में हम लोगों को क्या एवरेज निकालना है, सिंपल एवरेज के अंदर में हम लोगों को एवरेज निकालना है, रेट का एवरेज निकालना है, जो जो स्टॉक है मेरे पास उसका रेट का एवरेज निकालना है। तो हम रेट के एवरेज के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि मेरे पास 4 रुपीज वाला सामान है, 4.20 वाला सामान है, तो दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2, मतलब जो सामान है मेरे पास उन दोनों का रेट लेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो अगर 4 + 4.20 डिवाइड बाय 2 करें तो फिगर आएगा 4.1। तो हम लोग जो 500 यूनिट इशू करना है, अपने को 500 यूनिट क्या करना है, इशू करना है, वो हम लोग इशू करेंगे कितना करके, 4.10। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 4.10, तो फिगर आएगा 2050। अब जो है इशू हो चुका है तो 900 में से 500 चला गया तो 400, और 3660 में से 2050 चला गया तो फिगर बचेगा 1610। तो वो फिगर पुट आउट करेंगे। अब देखो फिर जो है हम लोग रिसीव कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, इट मींस जैन 10 को परचेस कर रहे हैं 700 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.40। 700 यूनिट हम लोगों ने रिसीव किया है 4.40 का, तो 700 इंटू 4.40 करेंगे तो फिगर आएगा 3080। अब जो है फिर से वही वेटेड वाला मेथड, 400 ये और 700 ये हो जाएगा 1100, और 1610 ये और 3080 वो, तो फिगर आ जाएगा 4690। अब जो है रेट नहीं लिखना है, तुमको ध्यान रखना है रेट यहाँ पे नहीं होगा, वेटेड एवरेज में रेट होता है लेकिन यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड में रेट नहीं होता है, क्लियर। अब जो है 10 के बाद 15 को हम लोग को इशू करना है, जैन 15 को इशू करना है हम लोग को 800 यूनिट। अब देखो ध्यान रखना, तुमको सिंपल में हमको फीफो भी ध्यान रखना है, तो हम लोगों के पास स्टार्टिंग में कितना अमाउंट का एसेट्स था, 600 का, है ना, मतलब कितना का गुड्स था, 600 यूनिट था, जबकि हम इशू अभी तक सिर्फ 500 किया, मतलब कि अभी भी इसका स्टॉक होगा। तो जब अब नेक्स्ट हम लोग एवरेज लेंगे तो हम 4 को भी लेंगे, 4.20 को भी लेंगे, 4.40 को लेंगे, मतलब इस रेट को तब तक लेंगे जब तक कि इतना स्टॉक रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे 600 यूनिट में से सिर्फ 500 इशू आया, मतलब यहाँ पे अभी 100 है, ये तो है ही और ये भी है, इट मीन्स कि हमको तीनों का रेट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमको 4 + 4.20 + 4.40 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 यूनिट को ऐड कर रहे हैं इसलिए डिवाइड बाई 3। तो अगर हम लोग ये 4 + 4.20 + 4.40 को डिवाइड करें 3 से तो फिगर आएगा 4.2। तो 4.2 यहाँ पे दे देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 यूनिट से तो आ जाएगा 3360। अब 1100 में से 800 चला गया तो 300 बचा,
और इसमें से ये फिगर चला जाएगा, तो फिगर बचेगा 1330। गॉट इट? बस वेटेड की तरह क्वांटिटी से क्वांटिटी लेस कर दिए और अमाउंट से अमाउंट लेस कर दिए। अब जो है 15th के बाद 20 को परचेस है, जैन 20 को हम लोग परचेस कर रहे हैं 300 यूनिट 5 रुपीज करके, तो 1500 हो गया। तो 300 था, 300 और आया तो 600 यूनिट, और 13 और ये 2880। गॉट इट? अब देखो ध्यान रखना कि वेटेड में रेट होता है, सिंपल में रेट नहीं होता है। अब जो है जैन 23 को इशू है, और ये वाला इशू जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के पास स्टार्टिंग में था 600 पॉइंट है ना, और यहाँ पे 500 और 800 1300 इशू हो चुका है, तो ये 600 तो इशू हो ही चुका है, साथ ही साथ ये 300 भी इशू हो चुका है, तभी तो 1300 इशू हुआ है, मतलब 900 तो ही हुआ, और इसमें से कुछ यूनिट इशू हुआ है, मतलब अभी भी इसमें का यूनिट बचा हुआ है, मतलब ये दोनों ऑलरेडी इशू हो चुका है, तो अब इन दोनों के रेट को हमको नहीं लेना है, क्लियर? क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इशू हो चुका है, क्योंकि हमको हमने कितना इशू किया है, 1300 इशू किया है, क्लियर? और यहाँ पे 900 ही है, तो इट मीन्स कि ये 900 इशू हो चुका है। अब मेरे पास जो स्टॉक बचा है, इन दोनों का स्टॉक बचा हुआ है, तो हम लोग इन दोनों का एवरेज लेंगे 23 वाले इशू में, मतलब 100 जो इशू कर रहे हैं उसमें रेट जो लेंगे हम लोग, ये दोनों रेट लेंगे 4.4 + 5 / 2, तो कहीं ना कहीं ये 4.70 आ जाएगा, ये 470, तो इसमें से 100 चला जाएगा, तो 500 और 500 और यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, 1330 + 1500 ऐड होके आ जाएगा 2830, मैंने 80 लिख दिया था गलती से। अब इसके साथ ये 470 लेस हो जाएगा, तो 2360। थैंक यू।